हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेज में एक बार आपको का पुनः स्वागत है। आज हम लेटर टू एडिटर के बारे में अध्ययन करेंगे। लेटर्स टू एडिटर्स के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, लेटर टू एडिटर अर्थात संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें बहुत सारी मैटर की अपने को आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि अपन ने एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके रख रखा है, उसको अच्छे से तैयार कर रखा है, तो अपने को सभी लेटर्स को याद करने का या उनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि अपन ने एक फॉर्मेट बना के उसको अच्छे से याद कर रखा है, तो बीच के कुछ शब्द अपन उसमें रख के एक आधा लाइन और डाल के, एक्स्ट्रा डाल के, अपन जो भी 150 शब्द संभल आराम से कर सकते हैं। शब्द सीमा का इसमें विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यदि ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ वो यदि आपने अच्छे से याद कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको लेटर टू एडिटर लिखने में या संपादक को पत्र लिखने में आपको कतई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर लेटर टू एडिटर जो होता है, अर्थात एडिटर्स या संपादक को जो अपन पत्र लिखते हैं, वो लेटर का फॉर्मल प्रकार होता है। अर्थात हम संपादक या जो एडिटर है उसको फॉर्मल लेटर लिखते हैं। लेटर टू एडिटर में सामान्य पत्र भी आ सकते हैं, इसमें शिकायती पत्र भी आ सकते हैं, कम जिसको अपन कंप्लेन लेटर बोलते हैं। इंक्वायरी के बारे में भी हम लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं, और प्लेसिंग ऑर्डर्स या अर्थात कोई ऑर्डर देने में, जैसे अपने बुक बैंक में पुस्तकें नहीं है, ख़त्म हो गई, तो इस प्रकार के कई जो ऑर्डर्स देने में भी अपने को लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। लेकिन आमतौर पे किसी सामाजिक समस्या या कोई शिकायत के बारे में ही 10th 12th में ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अपन इसका एक सामान्य सा फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले बाईं तरफ या दाईं तरफ जो मेन एड्रेस होता है जहाँ पर अपन पत्र लिखते हैं, उसमें सबसे पहले ऊपर एग्जामिनेशन हॉल
ये इसके बाद में नीचे एबीसी कोई सिटी या शहर का नाम या अपने लिखते हैं और उसके नीचे तारीख लगाते हैं और तारीख का फॉर्मेट जो इसमें दे रखा है जैसे 22 नवंबर 2014, तो इस प्रकार ही ये तारीख का और ये जो पता है ऊपर वो लिखते हैं। जहाँ जिसको लिख रहे हैं सेंडर्स, तो वहाँ पे अपने को जैसे एडिटर लिख रहे हैं द एडिटर राजस्थान पत्रिका, द एडिटर डेली डॉन या द एडिटर न्यूयॉर्क टाइम्स, तो इस प्रकार यहाँ पे समाचार पत्र का ऊपर संपादक द एडिटर, उसके बाद में समाचार पत्र का नाम और उसकी तीसरी लाइन में आपको स्थान बताना है जैसे लाहौर है, दिल्ली है, जयपुर है, कहाँ से वो प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद में है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपको सिर्फ इतना सा लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ, इतना सा लिख के आपको इसको छोड़ देना है खालिस्तान। और इसके बाद में क्या लिखना है यहाँ पे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद में लिखते हैं सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द टेंशन ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटी टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ। श्रीमान, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों को बढ़ती हुई समस्या की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इट इज ऑब्जर्व्ड, यह माना गया है, यह देखा गया है कॉमनली, सामान्य रूप से, यह ऐसा सामान्य रूप से देखा गया है दैट दिस प्रॉब्लम इज ऑन द राइज दीज डेज, कि यह समस्या इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ध्यान रखें ये जो खालिस्तान दे रखा है उसमें वही समस्या आएगी जो ऊपर द प्रॉब्लम ऑफ में जो समस्या लिखी है वही समस्या का वर्णन यहाँ पे अपने को करना है। आगे देखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड, यह देखा गया है कॉमनली, सामान्य रूप से, दैट दिस प्रॉब्लम इज ऑन द राइज दीज डेज, ये समस्या इन दिनों बहुत ज़्यादा उभरती हुई है। आई एम मच इम्प्रेस्ड बाय द क्लैरिटी एंड बोल्डनेस विथ विच योर न्यूज़पेपर टेक्स स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ आपकी वाक चातुर्य, स्पष्टवादिता और बहादुरी के साथ आपका जो समाचार पत्र समस्याओं को प्रकाशित करता है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। I also know, मैं ये भी जानता हूँ दैट योर न्यूज़पेपर इज फार अवे फ्रॉम येलो जर्नलिज्म, मैं ये भी जानता हूँ कि आपका जो समाचार पत्र है वो येलो जर्नलिज्म से बहुत दूर है, अर्थात जो पेड न्यूज हैं वो आपका न्यूज़पेपर नहीं छापता, या जो पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए जो लोग ऐसे समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़े, झूठी खबरें, वो आपका समाचार पत्र नहीं छापता, तो येलो जर्नलिज्म उसको बोलते हैं। आगे देखिए, आई एम मच इम्प्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, प्रभावित हूँ बाय द बोल्डनेस, आपकी बहादुरी के कारण, विथ विच यू टैकल द प्रॉब्लम एंड गिव सम फीजेबल सॉल्यूशन, मैं आपके समाचार पत्र की बहादुरी और जिस प्रकार की सामाजिक समस्याओं पर वो व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं उस गुण के कारण मैं आपके समाचार पत्र का बहुत आभारी हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। इसके बाद में ये जो दो लाइन है उसमें कुछ चीज़ें अपन जो पर्टिकुलर समस्या जिसके बारे में अपन लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, संपादक को जो पत्र लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर समस्या के बारे में एक दो लाइन अपने को यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन है उसमें जोड़ना चाहिए। इसके बाद में हाँ, आगे देखिए, यहाँ पे जो अब है इसका जो समाधान है उसके जो सजेशन है वो यहाँ पे ज़रूर लेटर टू एडिटर में नीचे लिखा जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू गिव सम सजेशन टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को निजात दिलाने के लिए, इस समस्या को कम करवाने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। अब ये सुझाव हैं, एक दो इसमें सुझाव दिए जा सकते हैं, लिखना है। पहला है यहाँ पे गवर्नमेंट एज वेल एज द कंसर्न अथॉरिटीज
must pay attention to the solve this increasing problem. सरकार और सरकार के साथ साथ संबंधित अधिकारी गण इस समस्या को के समाधान पर हेतु ध्यान देना चाहिए. सरकार के साथ साथ ही संबंधित अधिकारियों को इस समस्या के समाधान पर तो संबंधित अधिकारियों के साथ सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए. दूसरा जो समाधान मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ वो ये है, मीडिया शुड प्ले इट्स रोल टू इरेडिकेट द अफोर्डेबल प्रॉब्लम, अफोरसेड प्रॉब्लम. तो मीडिया जो है उसको भी इस कथित समस्या के उन्मूलन हेतु अपना रोल, अपना योगदान अदा करना चाहिए. दूसरा बिंदु बी बिंदु है वो ये है कि मीडिया को भी इस बढ़ती हुई कथित समस्या के उन्मूलन में हेतु योगदान देना चाहिए. सी तीसरा जो समाधान है वो है, पीपल शुड आल्सो कोऑपरेट विद द कंसर्निंग अथॉरिटीज इन सॉल्विंग दिस ऑनगोइंग प्रॉब्लम. संबंधित अधिकारियों को भी इस बढ़ती हुई समस्या को के समाधान हेतु लोगों को, संबंधित अधिकारियों को सहयोग देना चाहिए. फिर इसके बाद में जो एक आध यदि आपको और कोई ऐसा समाधान लगता है जो इसमें लिखा जा सकता है तो लिख सकते हैं. इसके बाद में अंततः है एक लाइन सभी लेटर्स में लिखनी है, आई होप दैट बाय फॉलोइंग द अबव मेंशन सजेशन वी शैल बी एबल टू ग्रेपल विद द प्रॉब्लम. मुझे ऐसी आशा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ऊपर जो मैंने सुझाव दिए हैं उनके सहयोग से हम इस समस्या के बढ़ने से इसको रोक सकते हैं. योर्स ट्रूली XYZ. इसके बारे में अपने को यहाँ पे नाम और रोल नंबर जो भी है वो लिख देना है. इस प्रकार लेटर टू एडिटर आपका कंप्लीट होता है. धन्यवाद. कीप वॉचिंग.